हेलो दोस्तों, मैं मधुर अग्रवाल और ट्रेडर्स ऑनलाइन डॉट कॉम चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि अभी वित्तीय वर्ष खत्म होते के साथ में इनकम टैक्स ने नोटिफिकेशन की झड़ी लगाना चालू कर दी है और ये नोटिफिकेशन आप सभी को जानना जरूरी है। और आपको ये जानना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये नोटिफिकेशन आपके रिटर्न्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग जानने के लिए आज सबसे पहला नोटिफिकेशन हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने सैलरीड वालों के लिए क्या नोटिफिकेशन इंसर्ट किया है। जैसे कि सैलरीड वाले पर्सन्स के लिए उन्होंने एचआरए क्लेम कर सकते हैं। एचआरए मींस हाउसिंग रेंट अलाउंस। और बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं कि वो अपना एचआरए किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड ये लोगों के नाम से क्लेम कर देते हैं कि हम लोग उन्हें रेंट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ना कोई रेंट देता है ना कोई लेता है। तो इनकम टैक्स ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कहा है कि अगर हम लोग ये चीज़ को डिडक्ट करते हैं कि आपने एचआरए क्लेम किया है और आपने एक्चुअल रेंट ना दिया है ना लिया है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स के पास में ये पावर दिया है कि एसेसिंग ऑफिसर आपसे आपके रेंट रिसिप्ट, लाइसेंस एग्रीमेंट प्लस आपको आपका गैस कनेक्शन, लाइट बिल, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे पूछने की अथॉरिटी रखता है। और यदि आप ये चीजें उन्हें प्रोवाइड करने के लिए असफल प्राप्त होते हो तो आपके ऊपर चार्जेस भी लगेंगे, प्लस आपने जितना क्लेम किया है एचआरए आपको 100% आपके इनकम के अंदर एड बैक हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर से हम लोगों को एक चीज ये पता चल रही है कि जो इनकम टैक्स अब ये चाहती है कि आप आपके रिटर्न जो है ट्रू एंड फेयर रखिए। और अगर आप ट्रू एंड फेयर नहीं रख सकते हो तो प्लीज आप के पास में जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में तैयार रखिए, क्योंकि आपके पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप प्लीज उस चीज को क्लेम मत करिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको चार्जेस देना पड़ेगा वो भी हेवी है प्लस पेनल्टीज भी है। तो आपको हमारे ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट जरूर करिए, हमारे इस चैनल को लाइक जरूर करिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।